भाई 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 इस बार हल्ला मचा रहे हैं, मिल गया, कुछ बड़ा मिला है, कुछ बड़ा मिला है। अरे गर्दन तोड़ देते हैं। बोला भाई यंग बबून का है ये, कुछ बूढ़े बबून का है, हर तरह का यहाँ पे हड्डियों से भरा पड़ा है भाई ये पूरा। ये भाई डिग डग, ये हिरन का शिकार किया हुआ है, कोई बच्चा हिरन का। ओके ये हिरन का मिट लाए भाई पका के मेरे लिए। वही हिरन का मीट तो बहुत टेस्टी होता है ना। कुछ भी नेगेटिव मत सोचना इनके बारे में, या फिर कुछ भी माइंडसेट मत रखना ऐसा वैसा। ये इनका कल्चर है, ये इनका लाइफस्टाइल है, वही मैं आपको शो कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, अशांते तंजानिया, अशांते हडजाबे ट्राइब। सो वेलकम टू द हडजाबे ट्राइब। अभी हूँ मैं आपके वर्ल्ड के जो लास्ट हंटर गैदर्स हैं, जो सबसे पुराने हंटर्स हैं और जो आज भी हंटिंग प्रैक्टिस करते हैं रियल के अंदर। वो किसी भी मतलब मेटेरियलिस्टिक चीज़ का यूज़ नहीं करते, नो कपड़ा, नो बिजली, नो पानी, नो फ़ोन, कोई भी चीज़ मतलब मार्केट से ये लोग नहीं खरीदते। जो भी जंगल में मिलेगा वो चीज़ें ये लोग यूज़ करते हैं। तो आपने जो लास्ट वीडियो देखा था उसके अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट था, और इस वाले वीडियो के अंदर हम जाने वाले हैं इनके साथ आज हंटिंग के ऊपर, और एक्सपीरियंस करने वाले हैं इनका सेम लाइफस्टाइल जैसा ये लोग जीते हैं। तो भाई आज की अपनी हंटिंग टीम के अंदर होने वाले हैं अखाना बे, इया 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 अखाना बे, पिलिस से अखाना बे, दुदुक 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 अखाना बे, शाकुआ शाकुआ द यंगेस्ट हंटर ऑफ द ट्राइब। यू आर नॉट ओखाना बे, यू आर गाइड। और यहाँ पे बच्चा लोग कुकिंग वगैरह कर रहे हैं, चिड़िया वगैरह मार के लाए हैं, ये कुछ अपने साइज का कुक किए, तो ये ब्रेकफास्ट कर लेंगे जाने से पहले, हंटिंग सेशन से पहले ही थोड़ा पेट पूजा कर लेंगे। अखाना बे, खाना बे कौन बकौन, टिकी चिक्की टिकी चिक्की, ओके यू मी हाई फाई, ओके ब्रदर इंजॉय या। और हंटिंग सेशन के लिए जो सबसे अपना यूजफुल एसेट है वो होने वाला है भाई ये लोग गाइड करने वाले हैं हंटिंग के लिए। जो भी मतलब बड़ा जानवर जाएगा स्मेल करके बता देंगे भाई उस तरफ जाना है, लेट्स गो। अखाना बे सकर की इया को बुकाओ को रख खतर खता ने ता बावन ने एको मसाला ती को अखाना बे सकर ती एया बाओ अब बाओ आ चुकु जी चलो चलो यो ता खतर खता ने ता तो वाके। तो भाई अभी ये अपने जो तीर वगैरह इनके बारे में समझा रहे हैं कौन सा किसके लिए यूज होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ पहले। ये वाला जो चीज़ है जो सामने से दिख रहा है ना, इतना पतला नहीं, इतना मोटा है, तो ये यूज़ होता है भाई पक्षियों के लिए, बर्ड्स वगैरह, चिड़िया वगैरह हो गया, इन सब चीज़ के लिए। बाकी तीर बड़ा सेक्सी बना रखा है इन लोगों ने, दिख रहा है पीछे भी पक्षी का पंख लगा हुआ। अभी बारी आती है वाले की, सॉलिड वाला लग रहा है ना भाई दिखने में भी। ये आपका जो छोटे जीव जंतु होते हैं जैसे हिरन हो गया, खरगोश हो गया, इनके लिए आंखें भी दिख रही पूरी लाल 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 लाल। तो अभी बैठा हूँ भाई मैं भाई लोगों के साथ में, और यहाँ पे चल रहा है अपना प्लानिंग कि आज क्या हंटिंग करना है, क्या नहीं करना। कोई भी बोल रहा है इम्पाला यहाँ पे नहीं मिलेगा, अभी ड्राई सीजन चल रहा है, बैबून भी नहीं मिलेगा, चिड़िया विड़िया ही मिलेगा, लेकिन देखते हैं क्या मिलता क्या नहीं मिलता। और भाई कर रहा है भाई रोल, रोलिंग एवरी टाइम चलती है भाई यहाँ पे, रिलैक्स लाइफ है। महादेव 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 के भक्त उसलिए हैं भाई, पूरा रोल हो चुका है। और रोल करने के लिए कुछ पेपर वगैरह यूज़ नहीं करते, सीधा ये जो कॉपी वाला पेपर नहीं होता भाई वो यूज़ किया डायरेक्ट। तो शुरू करते हैं अपना हंटिंग, लेट्स गो।
भाई ऐसा बिल्कुल जंगल के बीच में, बियाबान के बीच में रहते हैं ये लोग। कभी शहरों में नहीं गए, कभी स्कूल में नहीं गए, कुछ नहीं, नथिंग, नेचर ही इनका घर है भाई। या ओके। सो फाइनली अपना जो हंटिंग सेशन है वो हो चुका है शुरू। अपने ग्रुप लीडर या और साथ में एक और भाई है, वो भाई को एक चीज और दिखी है भाई, बिल्कुल परफेक्ट होते हैं लोग। उड़ गया, हर चीज उड़ गया, हर पक्षी उड़ गया, पता है हमको हट जा भी आ चुका है। दे फ्लाई ओनो खाना बे पीली से ओके। पिलिसी भाई यहाँ इस ग्रुप का बिल्कुल यंग हंटर है, कोई ज़्यादा एज भी नहीं हुआ भाई पिलिसी का, 15 से 16 साल का। तो भाई ने तीर चलाया था, सक्सेसफुल हुआ नहीं तो ट्राई करते रहेंगे, हंट तो लेके जाना है भाई हमको कुछ भी हो। आको भाई बता रहा है कि जो कांटे वाला पेड़ है इससे थोड़ा बच के रहना, तुम्हारे बाल बड़े लंबे लंबे फंस जाएंगे। तो अभी पूरा अपना जो ग्रुप है वो हंटिंग के लिए निकल चुका है और सभी अलग अलग एरिया के अंदर जा रहे हैं, इधर इधर। लेकिन मैं अपने साथ में आया हूँ, जो ग्रुप लीडर है ये सबसे एक्सपीरियंस वाला लग रहा है और सबसे हाई भी लग रहा है, तो जंगल को अच्छे से समझता है भाई। भाई आधा घंटा हो गया, हमें कुछ नहीं मिला, एक चिड़िया भी नहीं मिली। इतने समझदार है ना यहाँ पे पूरे जंगल के अंदर जानवर ना। भागो हट जा, आ गया भाई। रात को चिड़िया भी अपने बच्चे को बोलती होगी, सो जा बेटा नहीं हट जा, आ जाएगा तेरे की। ये वाला भी मिस हो गया साला। भाई यार बहुत ज़्यादा सेट है, ग्रुप लीडर किसने बना दिया इसको मेरे जो पता नहीं, इसको एक ही जगह पांच चिड़िया दिख रही हैं तो पांचवी को मारते हैं पहले उड़ जाती है। ये भाई जो अभी सीटी बजा रहा था ना, ये इनका कांटेक्ट करने का तरीका है, बाकी जो ग्रुप लीडर्स हैं वो भी सीटियाँ सुनाई दे रही हैं। तो भाई मैं तो नहीं रहूँगा उसके साथ में, ग्रुप लीडर अपने को तो जमता नहीं है, अपने ग्रुप चेंज करेगा दल बदल। ये भाई अच्छा हंटर है। आई कम विद यू, नो प्रॉब्लम। अकवाशी दागो नो प्रॉब्लम ओके। तो भाई मिल गया अपने इस भाई को मिला है कुछ। यार बेचारी को सुबह सुबह मार दिए इन लोगों ने, लेकिन इनका काम ही है भाई, इनका लाइफ ऐसे चलता है। भाई कब चेक आ जाएगा कि अच्छा इसकी गर्दन की हड्डी तोड़ी ताकि मर जाए, क्योंकि तड़प रही थी। खत्म भाई, हर कहीं से घुस जा रहे हैं लोग, साले कांटे वगैरह कुछ देखते भी नहीं है, इनको चुभते भी थे तो फर्क नहीं पड़ता यार। एक घंटा हो चुका है हमें और कुछ खास ज़्यादा शिकार मिला नहीं है, अपना बैड लक चल रहा है शायद। एक चिड़िया मिली छोटे वाला ओनली, उसमें तो इस भाई का अकेले का भी पेट नहीं भरेगा। दिख रहा है भाई ये भी सीटी बजा रहा है, और सामने से भी इसका कोई दोस्त है, काफ़ी 1 किलोमीटर दूर से जैसे कुछ आवाज़ जा रही है 500 मीटर के आसपास, ऐसे कॉन्टैक्ट करते हैं ये लोग। सिटी भी भाई अलग अलग तरह के, पहली बार जो बजाई उसके लिए हेलो के लिए बजाई थी भाई कहाँ पे है, तो दूसरी बार इसने बजाई ना ऐसे करके, उसका मतलब कि भाई तेरे को कुछ मिला या नहीं मिला। मेरे को तो कुछ नहीं मिला। तो सिटी बजाते अपना दूसरा दोस्त आ चुका है, और भाई ये भी अभी भी भांग पी रहा है। na so aku na tebewe kwa taba kai na kina tazata ukwakete kwenye chuta tsie eya ukiyako iya hama baka kata nitabia tumeto iyo bataya ha betete
ये सुबह से सेट ये सारा पिए जा रहा है इसको कुछ मिल नहीं रहा, तीर भी इधर मार रहा है उधर जा रहा है। करेगा ये इस बच्चे को भी सेट कर देगा, अभी इसको भी कहीं का नहीं छोड़ने वाला ये। भाई ये इनका कल्चर है सच में, पूरे दिन वीट पीना, मैरिजुआना पीना एंड सेट रहना, जंगल में रहना। तो भी भाई लोगों को और कुछ तो शिकार मिला नहीं, ये बिल है इसको पाड़ के देख रहे हैं इसमें कुछ चूहा या फिर गिरगिट वगैरह कुछ मिल जाए तो। देख रहे हो भाई पूरा फॉलो करता जा रहा है इसको। देख रहे हो भाई, भाइयों ने पहले ये निशान देखे थे, मतलब इस बिल के अंदर कुछ गया है तो अभी इस पूरे बिल को खोदा जाएगा, मिलेगा भाई कुछ तो मिलेगा। मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लोंडे यार सुबह से। भाई इसको खोद के देखने वाले हैं, चाहे 10 फीट जाए, 50 फीट जाए, 100 फीट जाए, ये काम शुरू कर दिया तो खोदने ही वाला है, चाहे मिले इनको छोटा सा चूहा। लेकिन ये मेहनत में कुछ कसर नहीं छोड़ते लोंडे, पूरे मेहनती हैं। क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं फालतू में, कुछ IAS YAS बनो यार, देश का नाम रोशन करो, इतना मेहनत पढ़ाई में करो ना। लेकिन भाई प्रॉब्लम ये है कि वो वाला लाइफ में टेंशन बहुत है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे नो टेंशन नो प्रॉब्लम। शिकार मिला तो खा लिया, और ना भूखे सो गए, गांजा पी के काम चला लिया। अभी अपना गंजेड़ी भाई आ चुका है, ये खोदेगा मस्त वाला। इन्होंने बताया मुझे इसमें ये ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है चूहा ये। तो भाई लोगों ने 15 मिनट मेहनत किया, बिल के लास्ट तक गए लेकिन मिला कुछ नहीं। भाई लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड है यहाँ पे, साला इतना मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। भाई 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 इस बार हल्ला मचा रहे हैं, मिल गया कुछ बड़ा, मिला है कुछ बड़ा, मिला है इनको। ये तो भाई को भाई इस बार मिला है कुछ बुलबुल जैसा। अरे गर्दन तोड़ देते हैं बिल्कुल आपके उसके तरह। कैसे हंस रहा है भाई, इसकी स्माइल कितनी सेक्सी है। जले जले शोरी बर्ड। लेकिन ये लोग बहुत हरामी हैं, आपको नहीं छोड़ेंगे, आप अपना जगह चेंज कर लो यहाँ से। भाई ने एक पॉकेट में डाल रखा है आपने, दिख रहा है। पकपा आ अकानाबे पकनपा आ जले जले यू जले जले आई नो hamma akanabe man ing 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 ale ing ing okay and akanabe jele jele hamana okay hamana akanabe ing 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 hamma jele jele okay bhai ka lekin getup bahut mast laga bhai mere ko bilkul sahi haja pe wala भाई इनका लाइफ स्टाइल तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जो जंगल जहाँ पे बुशेश के अंदर रहते हैं, दिख रहा है कितना भयानक मंजर है, हर तरफ सूखा पड़ा है, कांटों वाली झाड़ियाँ, कुछ नहीं खाने को। ये तो बोलते हैं कोई फ्रूट्स का पेड़ वगैरह कभी बारिश के मौसम में आ जाता है, अभी विंटर सेशन चल रहा है, लेकिन अभी कुछ नहीं खाने के लिए। कुछ हंटिंग पे मिला तो खा लिया, वरना नहीं मिला तो भूखे भी सोना पड़ जाता है इन लोगों को। भाई जंगल के अंदर ना बड़े अजीब अजीब पेड़ दिख रहे हैं, ये कोई नींबू जैसा पेड़ है ये, लेकिन ये इसको बोलते हैं कि ये जंगल का जहर है यहाँ पे, कोई लोग गलती से खा लेते हैं इसको फ्रूट समझ के, लेकिन कहानी ख़त्म होने वाली है उसके बाद में। और भाई जंगल इतना वीरान है, इतना डरावने वाला सीन है यहाँ पे, कैसे लोग रहते हैं पता नहीं। ये किसी ज़माने में यहाँ से नदी बहती थी जब कभी अच्छा बारिश आया था, लेकिन अभी कुछ नहीं दिख रहा है, कितने सालों से बंजर पड़ी है। नहीं निकालने के लिए भी इनको ये नदी वाला एरिया ढूंढते हैं, यहाँ पे 10-15 फीट नीचे डिग करते हैं, उसमें से ऐसे ऐसे उठा उठा के चुल्लू से पानी पीते हैं ये लोग। Got it? चला गया, भाग गया। तो सामने से एक और ग्रुप आ चुका है भाई उधर, और भाई लोग हेलो हाय बोल रहे हैं, जैसे इंडिया में नहीं होता कोई साइड से रोडवेज बस वाला जाता है तो हॉर्न बजाते हैं ना, सेम ऐसा। तो भाई लोग वापस अपने कैंप के ऊपर लौट चुके हैं थक हार के, और भाई का हाल दिखाता हूँ मैं, जस्ट चेक, पूरा स्क्रैच। हार्डवर्क दिख रहा है कितना किया, लेकिन मिला कुछ नहीं, 2 चिड़िया, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी काफ़ी है। तो अभी जो काम है वो होने वाला है अपना यहाँ पे,
कुकिंग करके उनको यहीं पे अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे और उसके बाद कैंप में जाएंगे। ज़्यादा कुछ बड़ा मिला जो कैंप में हम लेके जाएँ, सो ये जो भी है। सो भाई आग जलाने का तैयारी कर रहा है अपने वाला, जो लकड़ी उसके अंदर वो छेद कर रहा है, फिर उसको जलाएंगे। बोले तो भूख लगी है, खाना खाएगा अभी। तो भाई घास फूस ले आया जिससे कि सूखा घास, जिससे जल्दी आग पकड़ जाएगा। और भाई ये लकड़ी ले आया, इसके ऊपर अपने को वो रगड़ने वाले लकड़ी तो आग जल जाएगा। चौक अभी स्टार्ट करते हैं पार्टी अपना। भाई कुछ भी बोलो, इतना हार्डवर्क किया, कुछ हमें मिला नहीं, लेकिन फिर भी भाई लोग बिल्कुल खुश हैं, कोई मतलब इनको गिला सिखुआ नहीं है। फिर डेली लाइफ है यार इनका, ऐसे दुखी होंगे तो कैसे काम चलेगा ना। तो अपना आग जलना शुरू हो चुका है, थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा है, दिख रहा होगा आपको ना। हो गया भाई, हो गया। इतना जल्दी कितने एक्सपर्ट है यार ये बंदे। अब इसको ऐसे ही लाएगा, देखा है मैंने भी रिगल्स को। सही में जंगल मैन है पूरे एक्सपर्ट, इनको कुछ भी औजार नहीं, कुछ भी कुछ नहीं, लेकिन फिर भी सब काम ही चला लेते हैं अपने, सिर्फ नेचर के ऊपर डिपेंड रह के। हो गया भाई, पूरा धुआं निकलने लग गया बिल्कुल बिंदास वाला। तो भाई जमा कर रहा है अपने वाला अभी लकड़ियाँ, और उसके बाद कुकिंग होगा स्टार्ट अपना चिड़िया का। यार वो अपने माइंडसेट पे डिपेंड करता है, कभी कभी तो लगता है मेरे को हाँ भाई बेस्ट लाइफ है इनका साला, कुछ नहीं करना, कोई टेंशन नहीं, बस खाने का टेंशन है। लेकिन फिर जब सोचता हूँ जिस हिसाब से इन लोगों ने हंटिंग किया, कुछ मिला नहीं, तभी लगता है यार खाने का प्रॉब्लम तो सबसे बड़ा है ना लाइफ में, उससे बड़ा क्या प्रॉब्लम है। भाई माचिस है मेरे पास, ये ले लो ना, क्यों परेशान हो रहे हो। लेकिन मेरे को भी देखने में मजा आ रहा है, क्यों माचिस दूँ अपना। तो यहाँ पे चला है अपना चिड़िया का साफ सफाई, पंख वगैरह निकाल रहे हैं इसके, सब कुछ हो गया क्लियर। बिल्कुल ताज़ा मांस खाते हैं भाई ये लोग, वो कच्चा पच्चा वो वाला सीन नहीं है कि आज रख देंगे इसको छील के कल खाएंगे, यहाँ जमा कुछ नहीं करते लोग। ये अपनी चिड़िया चढ़ गई भाई गैस के ऊपर। सिगरेट लाया था मैं लोगों के लिए, वो बोल रहे हैं हमको सिगरेट दो, सिगरेट चूता 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 चूता। भाई दिख रही है चिड़िया फ्राई हो रही है इसके ऊपर, ये रही छोटी छोटी, कुछ नहीं है भाई, मुश्किल से 50 ग्राम होगा मीट इसके अंदर, लेकिन जो भी है यही अभी। मेरा कहाँ है मेरा? ओके है, मेरे को रुकने के लिए बोला है, मेरे को थोड़ा पका के देंगे, ये लोग कच्चा पचा ही खा लेते हैं। यू आस्क हिम डिड दे वांट टू मैरी एनी वाइट गर्ल, लाइक वाइट गर्ल्स फ्रॉम यूरोप अमेरिका, दे लाइक देम? नेका मका हुआ या यू लाइक देम?
भाई इनका भी सपना है रशियन से शादी करने का, जंगल में रहते हैं कुछ भी लेकिन ख्वाब बड़े हैं। One day you will get. We go call lah ko ano o ko ashidak. Hama otai a tope tope ya. Seme seme go ko amana ko isai I ko ebi I na bet me atena. Maka na ko pana go ko na I e bawa ko I. Boom. Na ko esa un ay ko seme seme o ko ay ina logo logo. Okay, this one for me. ये बीच वाला पार्ट है भाई आपका। अरे यार अंदर से सफाई वगैरह भी नहीं करते है कुछ भी। ऐसे ऊपर से आ को है ऐसे जो मन हो वो एंजो उधर तो अच्छी आके जो बोया है बना बना तो अच्छे लगी तो बिल्कुल बारबेक्यू हो जाता है चिड़िया तो एक सेकंड में तो भाई खाना पीना अपना हो गया और ये पूरा ये डाल के अब अभी तक ओको 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 तो ये पूरा आग को बुझा देते हैं भाई काम करने के बाद में, क्योंकि पूरा जंगल सूखा पड़ा है ना। काफी बार ये ऐसा होता है कि जंगल आग पकड़ जाता है भाई। ये जंगल ना पूरा कंकालों से भरा पड़ा है, आप जहाँ भी जाओगे आपको ऐसे ऐसे ये कंकाल मिल जाएंगे, क्योंकि इनको जहाँ पे भी शिकार मिलता है ना वहीं पे आग जला के कुक करके खा लेते हैं ये लोग। तो आप वापस पहुँच चुके हैं अपने कैंप के ऊपर और कुछ बड़ा शिकार अपने को मिला नहीं भाई, लेकिन बाकी जो लोग इनको भी कुछ बड़ा नहीं मिला तो ये अपना दुख मिटा रहे हैं भाई गांजा पी पी के। Ayako Angel, how they speak their name? Nya nya. Do like that? Ngang kobe. भाई किस्मत किस्मत की बात है ना, कहाँ इन अफ्रीका के जंगलों में, कहाँ इन आदिवासियों का, ट्राइबल्स का, कहाँ जो तंजानिया के लोग हैं, कहाँ इनका किस्मत बदला है, कहाँ पे भाई टूरिस्ट ट्रैवलर्स आना स्टार्ट हो गए। देखा भाई आपको हर जगह आपको ट्रैवलिंग कैंप मिलेगी, टूरिस्ट कैंपर मिलेगी हर जगह हर जगह हर जगह, एवरीवेयर लैंड क्रूजर। हे अशांत ब्रदर, अब आ रही आपको मजूरी, योर बिजनेस इज गोइंग वेरी गुड ना। थैंक यू जीसस।